प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहराइच में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ रही है। हिंसा करने वालों के अवैध निर्माण पर सरकारी शिकंजा कसने वाला है और अतिक्रमण की पहचान कर उसे गिराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को जब कार्रवाई का आश्वासन दिया था तो वो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई भी देने लगी। शुक्रवार शाम नगर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई का नोटिस लगाया और शनिवार को लोगों ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अलमारी ले जाता दिखा तो कोई दुकान का साजो सामान ले जा रहा था। सभी जानते थे योगी ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है, यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। जिन दुकानों के आसपास उस रात दंगे हुए वहाँ वैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया, अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया और कार्रवाई से पहले 72 घंटे का वक्त दिया गया। कुछ घर वाले ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप से ही घर की रेलिंग जो है उस रेलिंग को भी आज हथौड़े से तोड़ा है, और उनका ये कहना था कि उनका पूरा प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले जितना अवैध हिस्सा है इस मकान का, उस अवैध हिस्से को वो खुद ब खुद गिरा दे। चश्मदीदों को भी सुनिए कैसे मस्जिद से अनाउंसमेंट वाली बात का भी राजपाश हो चुका है। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहां मिले उसको मार दो बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है? दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है। पश्चिम तरफ एक पूरा बोल, भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोगों की सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है, ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। ऐसी नफरती साजिश यूपी में कोई नई बात नहीं है। नई बात है तो वो ये है कि अब इन बयानों पर सरकार तुरंत और तबीयत से कार्रवाई करती है। यूपी में इस जहर को घोलने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। अपराध किया है तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर में आपको बता दें बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में वायरल पोस्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल देखा गया, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, इसके अलावा आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां एक विवादित पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो जाता है। पोस्ट से लोगों के भीतर नाराजगी दिखती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इलाके में पुलिस को गश्त करना पड़ता है। आपको बता दें पुलिस ने मार्च किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से भगदड़ मची, पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरनगर का ही पूरा मामला है, आधी रात जिस कदर बवाल हुआ वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पत्थरबाजी जमकर की गई, आप देखिए कैसे नफरती पत्थर चले, लेकिन फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई। तो देखिए नवरथी पोस्ट के जरिए यहां पर देखिए बवाल करने की कोशिश की गई थी, यहां पर मुजफ्फरनगर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की गई थी। आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर देखिए विवादित पोस्ट पर बवाल यहां पर भड़का और यहां पर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मार्च किया और स्थिति को काबू में किया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस का गुडवर्क यहां पर सामने आया है। पोस्ट पर मुजफ्फरनगर, यहां पर देखिए किस तरीके से पोस्ट पर, इसके बाद मुजफ्फरनगर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की गई। और आपको बता दें यहां पर देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, 3 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए मुजफ्फरनगर में पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोग नजर आ रहे होंगे आपको, ये रात की तस्वीर है। मुजफ्फरनगर में यहां पर नफरती पत्थर किस कदर चलाए गए थे, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहां पर नफरत इस कदर लोगों के बीच भड़काई गई, 2 समुदायों के बीच में यहां पर देखिए धार्मिक पहले पोस्ट किया गया, इसके बाद देखिए पत्थरबाजी की तस्वीर। मुजफ्फरनगर में नफरती पत्थर चलाए गए थे जिस पर
पर काबू, हालांकि पुलिस ने कर लिया। ये पत्थर आप देखिए किस तरीके से आप बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ये पत्थरबाजी के बाद की तस्वीर है जो कि आप नजर आ रखी है। और यहां पर बवाल करने की कोशिश की गई, हालांकि समय रहते पुलिस की मुस्तैदी की वजह से, पुलिस की यहां पर सघन चेकिंग की वजह से यहां पर देखिए इस स्थिति पर काबू पा लिया गया। और पत्थर की तस्वीर भी आपको दिखाई, यहां पर लोग किस कदर नजर आ रहे हैं, दो समुदायों के बीच यहां पर देखिए ये जो विवाद है ये उबलता हुआ नजर आया। मुजफ्फरनगर की जो फिजा है वहां पर जहर घोलने की कोशिश की गई, और ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से संख्या दर एक दो नहीं, कई लोग यहां पर मौजूद नजर आए, हजारों की संख्या यहां पर लोगों की नजर आई और यहां पर पत्थरबाजी की गई। और इसी खबर पर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सचिन त्यागी जुड़ गए हैं। लेकिन सचिन त्यागी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नफरती पत्थर फेंके जाते हैं, पुलिस आधी रात में पहुंचती है, कार्रवाई करती है, आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, ये पूरे बवाल के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही? तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की, कैसे एक वायरल पोस्ट पर विवाद सुलझ जाता है और उसके बाद माहौल भड़क जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आप देखिए आधी रात में पुलिस की भारी फोर्स पहुंचती है, उसके बाद मार्च शुरू हो जाता है। आपको बता दें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन तनाव इस कदर भड़का कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, लगातार लोग आक्रोशित हुए, नारेबाजी हुई। और ये नफरती पत्थर फेंकने के पीछे आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो सख्ती से जारी रही। अभी भी लगातार पुलिस गश्त कर रही है, बैरिकेड्स लगाए गए, इसके अलावा चारों तरफ पुलिस का एक बड़ा घेराव देखा गया, इलाके में जो माहौल भड़क गया था उसको शांत कराने का प्रयास हुआ। को लेकर के आपने देखा कैसे मुजफ्फरनगर यहां सुलगता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर पुलिस की मुस्तैदी से मामला शांत हो गया, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी यहां पर की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर बताते हैं आपको उस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में फिर सड़क पर बवाल, सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी, टिप्पणी का विरोध सड़क पर लोग, पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात अचानक विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक चौराहे पर पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ अचानक सड़क पर ही बैठ गई, नारेबाजी होने लगी। हालात खराब होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस होती रही, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर आखिरकार भीड़ सड़क से हट गई। पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई धार्मिक टिप्पणी को लेकर है, आरोप अखिल त्यागी नाम के शख्स पर लगा है। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी की गई थी, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आरोपियों ने कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक धार्मिक समुदाय की जो भावनाएं हैं वो भावुक हुई हैं। ये सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला, शांति व्यवस्था के लिए और लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूर्ण रूप से यहाँ पर शांति है और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से आहत नहीं होने दिया जाएगा, ये लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए यहाँ पर फ्लैग मार्च भी की गई है। एक अफवाह फैली और हजारों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। गनीमत रही कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद थी और समय रहते उसने आरोपी पर कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सचिन त्यागी जुड़ गए। सचिन, देखिए मुजफ्फरनगर की फिजा में किस तरीके से जहर घोलने की कोशिश की गई, ये हम सभी ने देखा, इसकी मुख्य वजह क्या रही, कहां से ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ? ये मामला देर रात का है, जहां बुढ़ाना कस्बे में एक अखिल त्यागी नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अल्लाह के प्रति कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो शिकायत मुस्लिम धर्म के लोगों ने की थी उस पर बुढ़ाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसी बीच जो भीड़ को असामाजिक तत्वों ने जानकारी दी कि पुलिस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है, जिसके बाद हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो सड़कों पर उतरे और लगातार वो हंगामा करने के साथ साथ पुलिस के साथ भी बदतमीजी उन्होंने मुस्लिम समाज के युवकों ने की है। उसके साथ साथ जब मौके पर स्थिति बिगड़ती देखी तो जिले के एसपी सिटी एसपी देहात मौके पर खुद पहुंचे और जो आरोपी था अखिल त्यागी उसके हवालात के पीछे खड़े होने का वीडियो और फोटो भीड़ को दिखाया। जब जाकर कहीं ना कहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ शांत हुई, लेकिन जैसे ही ये भीड़ अपने घर की ओर रवाना होती है तो जो उपकार डेयरी है अखिल त्यागी की बुढ़ाना कस्बे में, उस पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, उनके मकान पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाई।